नागपुर विदर्भ के किसानों और उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगा सिंधी ड्राई पोर्ट। समुद्र मार्ग से कृषि उत्पादों के परिवहन और भंडारण के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होती है। चूंकि विदर्भ में समुद्र नहीं है, इसीलिए प्रकृति ने यह उपहार नागपुर या विदर्भ को नहीं दिया, लेकिन किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को इस बात ने चैन नहीं लेने दिया। विदर्भ के किसानों और उद्यमियों का माल तुरंत और सीधे विदेश भेजने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, इसी चिंतन के साथ श्री गडकरी जी की संकल्पना और प्रयासों से वर्धा जिले के सिंधी रेलवे स्टेशन के पास एक ड्राई पोर्ट विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मानो श्री गडकरी जी कृषि और उद्यमियों के माल परिवहन के लिए समुद्र को ही सीधे विदर्भ में ले आए हैं। ड्राई पोर्ट अवधारणा के मूर्त रूप लेने से पहले नागपुर में अजनी में एक इनलैंड कंटेनर डेपो आईसीडी था, जिसके माध्यम से विदर्भ से चावल बांग्लादेश सहित छोटे देशों में निर्यात किया जाता था। सिंधी ड्राई पोर्ट के निर्माण से नागपुर के साथ साथ पूरे विदर्भ से अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात में भी सुविधा होगी। सिंधी ड्राई पोर्ट के लिए 350 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इस ड्राई पोर्ट का निर्माण आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। न केवल कृषि सामान बल्कि औद्योगिक सामान के परिवहन के उद्देश्य से ड्राई पोर्ट में उद्योगों के लिए 124 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। इससे माल के भंडारण के लिए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कृषि माल प्रसंस्करण उद्योग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि सेवा उद्योग स्थापित होंगे और नागपुर से मुंबई या अन्य बंदरगाहों तक माल परिवहन की लागत बच जाएगी। अब नागपुर तथा विदर्भ के किसान और उद्यमी अपने उत्पाद नागपुर से ही सीधे विदेश निर्यात कर सकेंगे, वो दिन दूर नहीं।